आज गनपुर में आता सब तो गए सभी हम लोग वाड़ी में जा रहे हैं। वाड़ी में जाकर के फिर मैं आप लोगों से बातें करता हूँ। गए सब देख सकते हैं उन्होंने नए कपड़े पहने हैं। आज से गनपुर महापर्व स्टार्ट हो रहे हैं जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड में भजन भी आप लोगों सुनने को मिल रहे होंगे। ये ब्लॉग बहुत दिन बाद आ रहा है तो उसके पीछे का रीज़न एंड अभी चलो फटाफट से वो बाद में बताऊँगा मैं। अभी माता की वाड़ी में अपन लोग वाड़ी पूजने चलते हैं तो वहाँ से चल के फिर आप लोगों को मैं दिखाऊँगा सारा कुछ। तो चलो बस हाय गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने आज के इस नए ब्लॉग में। तो गाइस मैं हूं दीपक और आप लोग देख रहे हैं दीपक के ब्लॉग्स। तो गाइस आप सभी लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोग जरूर से बताना है। एंड अभी देखो तुम्हारा भाई नए कपड़े पहन लिया है। एंड गाइस आज से गणगौर महापर्व स्टार्ट हो रहा है। एंड गाइस आज गणगौर माता जी का डे वन है एंड आज माता जी अपने घरों पर आएंगे। तो गाइस आज का पूरा ब्लॉग आपको मैं दिखाने वाला हूं। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में मैंने आप सभी लोगों को सुबह उठ करके बता दिया था कि और वाड़ी के दर्शन भी आप सभी लोगों को कराए, जो माता जी की वाड़ी होती है उसके दर्शन भी आप लोग कराए तो अपने दर्शन कर लिए। एंड गाइस आप लोग कमेंट्स में जरूर से जय माता दी जरूर लिखना और आप लोगों दर्शन कर लिए। एंड गाइस अभी माता जी को जब लेने आएंगे वो रथों में तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो आज के इस व्लॉग में एंड तक बने रहना। एंड गाइस इतने दिन से व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे उसके पीछे का रीज़न मोस्ट ऑफ देम आपको पता होगा, बट जिसको नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि गाइस अभी मेरी बोर्ड एग्जाम्स चल रही थी इसी कारण से मैं फुल व्लॉग्स नहीं अपलोड कर पा रहा था एंड ना शॉर्ट्स अपलोड कर पा रहा था तो इसी कारण से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। बट अभी फाइनली अपने बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुकी है एंड गाइस अब अपने रेगुलर व्लॉग्स आएंगे तो आप लोग चैनल पर बने रहना। एंड जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया और बेल वाले आइकन को प्रेस नहीं किया तो फटाफट से कर लेना। एंड अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो मेरी इंस्टा डी दीपू का व्लॉग्स 2.0 तो फॉलो कर लेना। एंड स्क्रीन पर दिख रही होगी एंड ये देख सकते हो कि अभी मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरा मोबाइल है टाइप सी एंड इसमें बोया का माइक नहीं लगता इसीलिए मैं इससे वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उधर अलग वजन इधर अलग वजन तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में, इसलिए ब्लॉग को लाइक कर देना। एंड गाइस अभी वाड़ी के तो दर्शन आप सभी लोगों को कराई दिए एंड अभी माता जी को जब लेने के लिए आएंगे रथों के लिए तो रथों में लेने के लिए आएंगे तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। अपने घर ले जाने के लिए जब आएंगे तो वो पूरा सीन आपको दिखाऊंगा आज का। तो आज का पूरा डे वन व्लॉग होने वाला है गणगौर महापर्व का। तो आज के इस व्लॉग को आप लोग अभी से ही लाइक कर दो। एंड गाइस जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से वन सेकेंड कह रहा हूँ जाकर के सब्सक्राइब कर लो, ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। एंड गाइस अभी एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, पहले इसको साइड में रख दूँ। एंड ये देख सकते हो अपना न्यू ट्राइपॉड जो कि पुराना ही ट्राइपॉड है बट इसका अभी तक मैंने बहुत कम यूज़ किया था बट अभी फाइनली इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है क्योंकि मैं एक नया चैनल बना रहा हूँ जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो वाले चैनल का भी मैं बहुत जल्द आप लोगों को अनाउंसमेंट करूँगा तो आप लोग चैनल पर बने रहेंगे। इस अभी मेरी 6 से 12 अप्रैल के बीच में शायद जेई की एग्ज़ाम हो सकती है, जेई मेंस की, तो वो एग्ज़ाम के बाद ही चैनल आएगा। तो मतलब 12 अप्रैल के बाद अपना न्यू चैनल आने वाला है तो आप लोग बने रहें चैनल पर। एंड ऐसे ही डेली व्लॉग्स देखना, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा वो चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए। एंड काफ़ी ज़्यादा तो आप लोगों को हिंट तो मिली गई होगी कि किस टॉपिक पर होने वाला है चैनल, तो आप लोग बने रहना। एंड चलो आज के इस व्लॉग में आप सभी लोगों को गणगौर महापर्व का पूरा डे वन का व्लॉग दिखाता हूँ। तो चले गए वो लोग बना किसी तरीके फटाफट से अपने आज के इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो चले गए
अपनी माता जैसा माता थे। Спасибо.